हाय दोस्तों, आपका स्वागत है आए दिन आए इंटरप्राइजेस में। मेरा नाम है फहीम अंसारी। अभी मैंने आपको हमारा एक वीडियो आपने देखा, जैसे हमने दिखाया लैंडमार्क गैलेक्सी के बारे में। तो यहाँ अभी हम लोग जो है बिल्कुल रोड पे हैं, रोड से एक 50 मीटर की दूरी पे हमारा जो प्रोजेक्ट था, अभी हम लोग रोड पे हैं। रोड पे आपको दिखा देता हूँ मैं, ये बिल्कुल रोड, आप अंदाज़ा लगा लीजिए। यहाँ से गणपति मंदिर जो है 500 मीटर की दूरी पे, मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ। बिल्कुल हमारा जो प्रोजेक्ट है वो किस तरीके से आपको देखने भी मिलेगा। तो अभी हम लोग चलते हैं डायरेक्ट गणपति मंदिर के पास। सबसे पहला गणपति मंदिर से आपको आइडिया आ जाएगा कि हमारा किस तरीके से वो प्रोजेक्ट जो है कितना दूरी पे है। ठीक है, यहाँ से आपके सामने टाइमिंग भी चल रहा है। सबसे पहला हमारा जो प्रोजेक्ट आएगा, हमारा मतलब जो है यहाँ पे टिटवाला का बड़ा जो प्रोजेक्ट है वेदेंत मेलिनिया करके, वो प्रोजेक्ट सबसे पहला आएगा। तो दिखा देते हैं आपको जहाँ पे फ्लैट की कॉस्ट जो है 35 लाख 25 लाख 26 लाख से स्टार्ट होती है। 25 लाख में तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी 30 लाख रुपये पकड़ के चलो कि यहाँ पे हमारा जो एक फ्लैट जो है यहाँ पे स्टार्ट होता है वेदेंत मेलिना का। तो यहाँ से अभी हम लोग जो चल रहे हैं ये रोड है, और वेदेंत मेलिना का जो प्रोजेक्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा जूम करके आपको देखने मिलेगा। अभी हम लोग यहीं पर पहुँचे, सिर्फ अभी यहाँ पे यही तक पहुँचे हैं। सामने वेदेंत मलिना आपको दिख रहा होगा, ये वेदेंत मलिना, ये देखिए वेदेंत मलिना जो है ये बिल्कुल बाजू में हमारे उसके बाजू में, और गणपति मंदिर यहाँ से ज़्यादा दूरी पे नहीं है, बाजू में आ जाता है। सारा कुछ जितने भी सब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ही है, अभी आपको सब टोटल देखने मिल जाएगा। टिटवाला रेजेंसी वगैरह जितना भी है, सब बिल्डिंग का प्रोजेक्ट यहाँ पे टोटल ओवरऑल टोटल कम्प्लीट हो चुका है। यहाँ पे आप जितने भी आप देख रहे हैं, यहाँ से गणपति मंदिर अभी हम लोग पहुँच गए, ज़्यादा दूर नहीं पहुँच चुके हैं। और यहाँ से जो है हर चीज़ की फैसिलिटी आपको मिल जाती है, स्कूल वगैरह हर चीज़ है यहाँ पे, और हॉस्पिटल्स वगैरह सब है, बाजू में बैंक्स भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप जैसे देख रहे हो पूरा पॉपुलेशन के साथ में। तो ये देखिए गणपति मंदिर के बैक साइड में, मैंने जैसे आपको बोला गणपति मंदिर का गेट भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा पीछे का। ये अभी हम लोग जो है ये सब बंगले हैं यहाँ पे राइट साइड में, मेरे जितने भी हैं वो सब बंगले हैं, यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है। ये देखिए टोटल बंगले ही बंगले हैं यहाँ पे, ये सब बंगलों के प्रोजेक्ट्स हैं। ये बाजू में वेदेंत मेलिनिया का प्रोजेक्ट है, और फिर उसके बाद में गणपति मंदिर का गेट आ गया। ये गणपति मंदिर का गेट यहाँ से शुरू हो जाए, पूरे बंगले के पीछे जो है गणपति मंदिर चालू हो जाता है। ये देखो गणपति मंदिर जो है, आपको यहाँ पर सब मूर्ति वगैरह बनती है, जो कि यहाँ पर हर साल जो है मूर्ति वगैरह सब यहाँ से लेकर के जाते हैं यहाँ पर। तो अभी यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये रोड, और हमारे राइट साइड में आपको जो है गणपति मंदिर दिखेगी। ये पूरा गणपति मंदिर का ही एरिया है, गणपति मंदिर का ही एरिया है। यहाँ से अभी मैं थोड़ा सा राइट मारता हूँ, सामने ही मंदिर आपको नज़र आ जाएगी। ये देखो दिखा दो, सामने मंदिर नज़र आ रही होगी आपको, टेम्पल। ये गणपति मंदिर जो है महागणपति मंदिर, ये टिटवाला का है। तो यहाँ पर जो है कितना टाइम लगा आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा, कितने टाइम के अंदर हम लोग यहाँ पहुँचे। पैदल आएंगे तो भी आराम से आ सकते हो। ये पूरा गणपति मंदिर का एरिया है, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ से बहुत नज़दीक है। और फिर उसके बिल्कुल बाजू में यहाँ से मंदिर हो गया, सामने यहाँ पे चौक हो गया, ये चौक है। चौक पे से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो यहाँ पे मस्जिद वगैरह सब मिल जाती है आपको, ATM वगैरह सब है यहाँ पे। ये पूरा चौक दिखा दो इनको, ये पूरा चौक है। आगे राइट साइड में जो सीधा दिख रहा है रिक्शा खड़ा है, वहाँ पे मस्जिद है बिल्कुल बाजू में। तो यहाँ से अभी हम लोग यहाँ से देखो, ये गणपति मंदिर का एरिया, ये पूरा पॉपुलेशन आपको दिख रहा होगा। ये देखिए अभी आज सैटरडे है, और सैटरडे में क्राउड आपको दिख रहा होगा। ये सैटरडे संडे का यहाँ पर बहुत क्राउड होता है, लोग यहाँ पर बहुत विज़िट करते हैं। ये पूरा एरिया में, ये एरिया में सबसे बड़ी मंदिर है गणपति मंदिर की। तो यहाँ से जो है हम लोग जाएंगे अभी आपको पूरा एरिया दिखाते दिखाते स्टेशन की तरफ। तो स्टेशन पे जो है किस तरीके से, देखो कैंट वैली की बस जा रही है, ये कैंट वैली इंटरनेशनल स्कूल है। यहाँ पे बहुत सारी स्कूल है, बहुत सारी स्कूल है। आप आजू बाजू में जो एरिया देखेंगे ना, वो एरिया में आपको पूरा डेवलपमेंट नज़र आएगा। और लोग पूछते हैं कि यहाँ पर क्या डेवलप है, हम इतने गाँव में जा रहे हैं कितना अंदर है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी कोई बात नहीं है, हर चीज़ की फैसिलिटी आपको यहाँ मिल जा रही है, स्कूल कॉलेज मार्केट। फिर यहाँ पे ये रिक्शा स्टैंड देखो, यहाँ पे तो रिक्शे कितने हैं, यहाँ पे रिक्शा है, बाजू में दरगाह भी है, रिक्शा वाले जो है पूरी दरगाह को संभालते हैं। ये देखो हाजी हजरत पीर हाजी जलालुद्दीन शाह बाबा जो है, ये पूरी दरगाह, ये जो रिक्शा वाले हैं हमारे, ये यूनियन जो है पूरा रिक्शा वाले, ये उनको दरगाह को संभालते हैं। तो
तो अभी हम लोग यहाँ से आगे जा रहे हैं सीधा, यहाँ पे राइट साइड में आपको पूरा दिख रहा होगा, ये देखिए पूरा का पूरा यहाँ पे पूरा होटल है, राइट साइड लेफ्ट साइड में पूरे होटल्स हैं। और यहाँ पे आपको HDFC बैंक दिख रही होगी, ये देखो HDFC बैंक, ये HDFC बैंक है। और अब यहाँ से जो है हम लोग अभी गणपति मंदिर का एरिया छोड़ने, देखो अभी यहाँ पे जो है जी मार्ट भी है, ये स्मार्ट मार्ट, ये स्मार्ट पॉइंट, स्मार्ट पॉइंट जो है रिलायंस वालों का स्मार्ट पॉइंट है। यहाँ पे देखो जी पाटिल का ये भी, हम यहाँ पे बैंक्वेट हॉल वगैरह सब है। यहाँ पे देखो स्कूल है, कैंट वैली इंटरनेशनल प्री स्कूल बच्चे लोगों के लिए। अब यहाँ पे आप अंदाज़ा लगा लीजिए हम कौन से लोकेशन पे बिल्डिंग का प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं, यानी हम लोग वहाँ से निकले ही थे। अभी यहाँ से आप अंदाज़ा लगाइए रेजेंसी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाता है। मैं आपको और भी रेजेंसी के अंदर से लेके जा सकता था, लेकिन मैं आपको वहाँ से ना लेके जाते हुए बाहर से लेकर के आया। रेजेंसी का प्रोजेक्ट जो है स्टार्ट हो चुका है, पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक रेजेंसी अभी स्टार्ट हो चुका है। अभी देखिए आप रेजेंसी कितना बड़ा है, जो कि एक फ्लैट की कॉस्ट जो है 45 लाख से स्टार्ट होती है उनकी, क्योंकि वो स्टेशन से नज़दीक है। जैसे जैसे आप दूर जाओगे वैसे वैसे मिलेगा। देखो 29 लाख से फ्रॉम स्टार्टिंग रेजेंसी, यानी 30 लाख रुपए से स्टार्टिंग है रेजेंसी का एक फ्लैट। अभी आप अंदाज़ा लगाइए यहाँ पे, इसको जूम करके देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे रेजेंसी का जो है लिखा हुआ है 29,50,000 रुपया। यहाँ पे भी है, आगे भी है, रेजेंसी के बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए, टोटल रेजेंसी का ही है। अभी हम लोग मेन रोड पे ही है, लेकिन रेजेंसी का यहाँ पे पूरी तरीके से कब्जा है समझ लो। अभी आपको मैं वही बता रहा हूँ कि इन्होंने इतना बड़ा प्रोजेक्ट चालू किया है, तो हमारा तो छोटा प्रोजेक्ट है। और उसमें जो है काफ़ी अच्छे तरीके से फ्लैट्स है, हमारे स्टेशन यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। रिक्शे वाले को अगर आपने 20 रुपये दिया तो बिल्कुल आपको स्टेशन पर छोड़ देगा, और स्टेशन से सिर्फ 5 से 7 मिनट लगता है आपको अपने गुरौली पहुँचने के लिए। इतना अच्छा रोड बन गया है कि आपको कोई चीज़ का टेंशन भी नहीं होगा। बाजू में पटेल मार्ट है, यहाँ पे देखो ट्रेंड्स करके, यहाँ पे भी ट्रेंड शॉपिंग मॉल है, पटेल मार्ट है, और भी यहाँ पे मॉल्स आ रहे हैं बड़े बड़े जो कि ओपन होंगे आने वाले टाइम में, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से डेवलपमेंट चालू है। मैं अभी स्टेशन की तरफ जो है लेकर के जा रहा हूँ आपको, लेकिन वहाँ पर थोड़ी ट्रैफिक होती है, देख सकता हूँ कि अगर ट्रैफिक नहीं रहेगी तो मैं बिना ट्रैफिक से अंदर चला जाऊँगा। यहाँ पे देखो DG1 वगैरह आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखिए DG1 हमारा। हमने यहाँ पे आप लोगों को हर एक चीज़ की फैसिलिटी दिया है, सबसे पहला टिटवाला में हमने आपको हर एक चीज़ की फैसिलिटी दिया है, ताकि आप लोगों का घर जो है यहाँ पे अच्छे से बन सके और आप लोग यहाँ पे रह सके। मैं स्टेशन की तरफ आ चुका हूँ, और यहाँ पर पूरा मार्केट है। मैंने आपको बोला था यहाँ पे ट्रैफिक था, इसके लिए मैंने वीडियो पॉज कर दिया था। अभी एकदम स्टेशन को टच होने को आया हूँ, 10 मिनट की ट्रैवलिंग डिस्टेंस है स्टेशन से। मैं तो वीडियो बनाते बनाते आया हूँ, तो देखो ये 8 मिनट का वीडियो बना है, 2 मिनट मैंने खाली वेट किया। तो ये देखो सामने स्टेशन है आपके, और ये स्टेशन, ये अभी यहाँ पर पूरा ट्रैफिक लगता है, ये पूरा एरिया में पूरा इधर लगता है, क्योंकि ये स्टेशन रोड है। आप सब जानते हैं स्टेशन रोड पर हमेशा ट्रैफिक ही होता है। तो यहाँ पर टिटवाला स्टेशन सामने दिख रहा होगा आपको। तो ये था हमारा टिटवाला स्टेशन, और हमारी जो है ये कॉन्सेप्ट आपके लिए 11,000 रुपये की EMI वाला सिस्टम। तो यहाँ पे हम लोग जो है 11,000 रुपये की EMI पे आपको महीने की EMI पे लाके दिए हैं फ्लैट। और जो कॉन्सेप्ट आपको समझना है वो आपको ऑफिस पे कॉल करना है और देखना है और विज़िट करना है कि किस तरीके से हम लोग ने काम किया है और क्या क्या काम हम लोग करके देने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ आप देख रहे हो। अभी हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे स्टेशन नज़र आ जाएगा, ये देखिए ये सामने स्टेशन है। अब यहाँ गाड़ी रोक नहीं सकता हूँ मैं, 1 मिनट भी गाड़ी रोकूँगा तो हॉर्न बजना चालू हो जाएगा। तो ये था हमारा एक ट्रैवलिंग डिस्टेंस, कितना मिनट हो गया, 9 मिनट 29 सेकेंड जो है, यानी हम लोग 10 मिनट में आप अपने घर पर जा सकते हो, बाइक लो घर जाओ 10 मिनट में स्टेशन से, ठीक है। कॉन्सेप्ट को मिस मत कीजिए, जल्दी बुकिंग कीजिए, कहीं मैं ये ना बोलूं कि वो बिल्डिंग फुल हो गई, कहीं मैं ये ना बोलूं कि बिल्डिंग फुल हो गई। और आप लोग जानते ही हो कि हम लोगों का ये वीडियो आने के बाद में कितना तेज़ी से बुकिंग होती है,
तो आप भी जल्दी से जल्दी उसमें बुकिंग कीजिए और अपना फ्लैट जो है बनाइए। ख्वाहिश चॉल्स में नहीं जाना था, बिल्डिंग में जाना था, तो भी हमने वो रेडी कर लिया है आप लोगों के लिए। तो वीडियोस को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।